Hello and welcome to Amjad Academy in a continuation with our chapter number 4 chemical thermodynamics today i am here with lecture number 4 in this lecture we will discuss thermodynamic equilibrium so what is this thermodynamic equilibrium a system is said to be in a thermodynamic equilibrium when its state functions does not vary with the time

थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं ठीक है अब आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस दिस सिलेंडर, सिलेंडर, ए गैस इन इट मोवेबल पिस्टन आई एम टेलिंग इट एज ए मोवेबल पिस्टन बिकॉज दिस पिस्टन कैन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओके सपोज दिस सिस्टम

तो इस गैस का इस सिस्टम का अपना प्रेशर होगा अपना वॉल्यूम होगा और अपना टेम्परेचर होगा दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन तो ये स्टेट फंक्शन हम यहां पर बता रहे हैं तो दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टम अब हम क्या कर रहे हैं यहां से एक वेट हटा दे रहे हैं यहां पर टू वेट्स रखे हुए पिस्टन पे अब एक वेट हटा देंगे तो क्या होगा पिस्टन क्या हो जाएगा अपवर्ड मूव होगा गैस एक्सपांड होंगी तो आप देखिए दूसरा सिलेंडर है इसमें क्या हो रहा पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड एंड गैस इज गेटिंग एक्सपांड तो ड्यूरिंग इट्स मोशन ड्यूरिंग इट्स मोशन वी कैन नॉट डिफाइन इट्स प्रेशर इट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बट व्हेन दिस पिस्टन गेट स्टॉप दिस पिस्टन गेट मोशन लेस तो एट दैट टाइम वी कैन डिफाइन इट्स प्रेशर इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टेम्परेचर तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच गया सिस्टम यहां पर भी पिस्टन मोशन लेस था यहाँ पर भी पिस्टन मोशन लेस है यहाँ पर हम सिस्टम का या गैस का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर बता रहे थे यहाँ पर भी हम गैस का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर बता रहे हैं फाइनल स्टेट में यहाँ पर पिस्टन मोशनलेस है तो इस दौरान क्या पर क्या हो रहा है यहाँ पर डिज स्टेट फंक्शन आर नॉट वेरिंग ये क्या हो रहे है नहीं हो रहे चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ तो ऐसी कंडीशन में इस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है दिस सिस्टम इज इन ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नाउ व्हाट अबाउट द इनिशियल स्टेट इन ए इनिशियल स्टेट इट इज ऑल गेटिंग इन आवर डेफिनेशन फर्स्ट व्हाट इज दिस द पिस्टन इज इन पिस्टन जो है तो मोशनलेस है दूसरा गैस का प्रेशर स्पेसिफाइड है मतलब बताया जा सकता है वॉल्यूम भी बताया जा सकता है टेम्परेचर भी बताया जा सकता है जब स्टेट फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं और पिस्टन मोशनलेस है तो ऐसे सिस्टम को थर्मोडाइना थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में कहा जा सकता है लेकिन जब ये पिस्टन मूव कर रहा हो और उस हालत में हम प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं ऐसी कंडीशन में सिस्टम को थर्मोडाइनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम में कहा जाता है अब यहां पर देखिए हमारी डेफिनेशन फिट हो रही है कि एज ए सिस्टीम इज सेट टू बी न थर्मोडाइनिक व्हेन इट स्टेट फंक्शंस डज नॉट वेरी विद टाइम एंड नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस यहां पर देखिए ये जो इनिशियल स्टेट में सिस्टम था हमारे पास वहां पर उसका प्रेशर P1 है वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है मतलब ये यह यहां पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है नो हीट एक्सचेंज नो हीट एक्सचेंज ठीक है <coughs> यहां पर हीट एक्सचेंज भी नहीं हो रही है और इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड है और पिस्टन भी मोशन ले से मतलब यह हुआ कि इनिशियल इन इनिशियल स्टेट दिस स्टीम इज इन अ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम नाउ व्हेन वी विल मूव द पिस्टन अपवर्ड बाई लेटिंग वन वे डाउन सो दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड

ऐसी कंडीशन में इस सिस्टम को थर्मोडोडाइम इक्विलिब्रियम स्टेट में कहा जाता है जब यह पिस्टन मूव हो रहा था देखिए वंस अगेन सी दिस पिस्टन इज गेटिंग मूविंग अपवर्ड दिस पिस्टन इज गेटिंग अपवर्ड एंड गैस इज गेटिंग एक्सपांड तो इस कंडीशन में हम इस गैस का ना ही प्रेशर बता सकते हैं ना ही वॉल्यूम बता सकते हैं ना ही इसका टेम्परेचर बता सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस सिस्टम को थर्मोडाइनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द नेक्स्ट पॉइंट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अमजद अकेडमी